व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफिब्रिल। पिछले कई वीडियोस से मैंने आपसे मसल्स के बारे में बातें की है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। मायोफिब्रिल क्या होता है, ये कैसे दिखते हैं, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया हुआ था। सो इन थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में आज बात करते हैं इस वीडियो में कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका कैसा है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखा जाता है कि मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेटली डार्क और लाइट कलर के, मतलब गाढ़े और पतले कलर के कुछ बैंड्स से दिखते हैं। मतलब ऑल्टरनेट इन द सेंस, एक गाढ़ा रंग होगा तो एक पतला रंग होगा, लाइट एंड डार्क बैंड्स का एक ऑल्टरेशन दिखता है। इन लाइट या डार्क बैंड्स को सेक्शन, सेगमेंट्स या डिस्क भी कहा जाता है। जो लाइट सेगमेंट होता है उसे कहा जाता है जे बैंड, और जो डार्क सेगमेंट होता है उसे कहा जाता है क्यू डिस्क। क्यू डिस्क यानी डार्क कलर जो बैंड होता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, यानी पोलराइज लाइट को मसल फाइबर के थ्रू अगर पास किया जाए तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होते हैं कई अलग अलग दिशाओं में। इसीलिए क्यू डिस्क या डार्क बैंड को ए बैंड कहा जाता है। ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक। वही लाइट बैंड या जे बैंड आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब अगर पोलराइज लाइट को पास किया जाए थ्रू लाइट बैंड एरिया ऑफ मसल फाइबर, फिर रेज ऑफ द लाइट सेम एंगल में रिफ्रैक्ट होंगे। सो जे बैंड या लाइट बैंड को आई बैंड कहा जाता है। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक इंटैक्ट मसल फाइबर में एडजेसेंट मायोफिब्रिल्स के आई बैंड और ए बैंड साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं। ए बैंड या फिर जो डार्क बैंड होता है उसके बीच में एक पतला सा लाइट कलर्ड एरिया दिखता है, इस एरिया को एच जोन कहा जाता है। आई बैंड भी एक पतले लाइन से बटा हुआ होता है जिसे जेड लाइन कहा जाता है। एक मायोफिब्रिल का वो पोर्शन जो दो जेड लाइंस के बीच मौजूद हो उसे कहा जाता है सार्कोमियर, और सार्कोमियर को कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल। सो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट दिस सार्कोमियर, किस तरीके से सार्कोमियर बनता है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी, और यही रिलेटेड है वेरी इंट्रिकेटली टू हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इट मे कम इन फिजियोलॉजी, इट मे कम इन एक्सरसाइज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी एज वेल, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये होता है एक बेसिस। सो इसे समझने के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सार्कोमियर। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टिल देन स्टडी हार्ड।